हेडलाइंस पर। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत और मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। कार में एक ही परिवार के 11 लोग थे सवार। राजस्थान से नैमिषारण्य तीर्थ जा रहे थे श्रद्धालु। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी का बयान, कहा बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है रोकथाम और जन जागरण पर दिया जोर। मानसून की बेरुखी से कानपुर के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, रोज 3000 तक पहुंच रहे मरीज और पेट की बीमारी वाले मरीजों की संख्या ज्यादा। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़े हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि मरने वालों में 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। और हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि हादसा तालग्राम थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4 बजे हुआ। पुलिस की माने तो पूरा परिवार राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है और परिवार के 11 लोग बुलेरो गाड़ी में सवार होकर नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जा रहे थे और रास्ते में कंटेनर ट्रक ने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कन्नौज से विवेक, पूछना चाहूंगी क्या कुछ वजह रही, कई लोगों की मौत हुई है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा, वजह क्या थी इस पूरे हादसे के पीछे? प्रेमा जी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ आगे पर वाहन फराटा भरते हैं, वहीं पर ये एक तो बुलेरो गाड़ी होकर सीधा अपने नए धाम पर जा रही थी, तालिग्राम और तिरवा के बीच में हादसा हुआ है। आपको बताएं कि अलवर जिले के रहने वाले थे, 11 लोग बुलेरो में सवार होकर नैमिष धाम जा रहे थे। रात के करीब 4 बजे के आसपास घटना बताई जा रही है, कंटेनर ने ट्रक ने बुलेरो को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद 2 और मौत हो गई, पुलिस के और आला अधिकारी जब पहुंचे उसके बाद 2 और मौत हो गई और 2 मौतें अस्पताल इलाज के दौरान हुई है। 3 लोगों की जान बची है, जिसमें 2 बच्चे बचे हैं और एक ड्राइवर बताया जा रहा है। बिल्कुल इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, वहीं अलवर जिले में उनके परिजन बराबर आने की कोशिश में है, बराबर शाम तक पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें जो 3 लोग बचे हैं उनसे जब जानकारी लेनी चाहिए तो बच्चे बराबर बोलने में नहीं थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे और ड्राइवर को कोई जानकारी नहीं थी। आपको बताएं कि कन्नौज से मेडिकल कॉलेज, तिरवा मेडिकल कॉलेज से यहाँ से कानपुर को रेफर कर दिया गया, पुलिस की सुरक्षा में इनको रेफर किया गया। जी पूछना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि जो बच्चे इस पूरे हादसे में अभी गंभीर रूप से घायल हैं, अगर उनकी स्थिति की बात करूं तो क्या उन्हें सही से इलाज मिल पा रहा है, क्या कुछ उनके? जी बिल्कुल वर्मा जी आपको बताएंगे, यहाँ पर जैसे ही हादसा हुआ और आला अधिकारी को जानकारी हुई, वैसे आला अधिकारी अपने मौके पर पहुंचे, उसके बाद घटना की पूरी जानकारी ली, इसके बाद अपनी निगरानी में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, अपनी निगरानी में यहाँ जब उनका उपलब्ध नहीं हो पाई तो कानपुर रेफर किया गया है, पुलिस के माध्यम से ही बराबर उनका इलाज कानपुर में भी होगा। जी शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर का अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक दर्दनाक खबर कन्नौज से, जहां पर भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, ये पूरी खबर आपको कन्नौज से। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों ने इसमें करीब बुलेरो में 11 लोग थे, इसमें 8 लोग एक्सपायर हो गए हैं, इसमें 3 महिला हैं, 1 बच्चा है और 4 पुरुष हैं, 2 बच्चे और 1 ड्राइवर यहाँ पर एडमिट है, जिसमें 1 बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है और 1 बच्चे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और जो ड्राइवर है उसका अभी हेड इंजरी है, उसका पूरा स्कैल्प का एक तरफ का उड़ गया है, उसमें स्टिच वगैरह करा दी गई, लेकिन हालत इसकी।
और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर पत्नी से झगड़ने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बड़ी खबर कानपुर से, पत्नी से झगड़ने के बाद युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी और परिजनों को सुबह लटकता हुआ मिला शव। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी खबर कानपुर से, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का पूरा मामला है। पत्नी से झगड़ने के बाद युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और परिजनों को सुबह युवक का शव लटकता हुआ मिला और युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कानपुर से। अनिल, पूछना चाहूंगी, क्या अभी तक परिजनों ने कुछ की है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कहना है उनका, क्या आखिर क्या वजह रही दोनों के बीच झगड़े की? मैं बताना चाहूंगा कि कल देर रात खाना खाने के समय जो पति पत्नी में किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद परिजनों ने सभी को शांत करा दिया था, जिसके बाद पति ने नीचे आकर कमरे में आकर फंदे से लटक कर फांसी लगा ली। परिजन जब सुबह सोकर उठे तब युवक फंदे से लटकता मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई मौके पर, पुलिस ने शव को उतार कर छानबीन की, लेकिन कोई भी प्रोफाइल नोट या इस तरह का कोई भी वहां पे नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है। परिजनों ने बताया पुलिस को कि मामूली बात पर जो है कल हजबंदबाजी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर, अधिक अपडेट के लिए। पूरी खबर कानपुर से, पत्नी से झगड़ने के बाद युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और परिजनों को सुबह युवक का शव लटकता हुआ मिला। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है और पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मौसम के तीखे तेवर लोगों की सेहत पर भी असर डाल रहे हैं। दिन हो या रात, गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है और भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला और हैलेट में इन दिनों मरीजों की लाइन लगी हुई है। सिर्फ उर्सला की ही बात करें तो यहाँ के ओपीडी में रोजाना 2 से 3 हजार मरीज पहुंच रहे हैं और जिसमें से करीब 100 मरीज रोजाना भर्ती हो रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से पेट की बीमारियां जैसे डायरिया, लूज वोमिटिंग, पेट में संक्रमण, हेपेटाइटिस, वायरल फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और गैस्ट्रो होना बात हो गई है। इस वक्त ज्यादातर मरीज गैस्ट्रो के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जैसे लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द में, हेपेटाइटिस के मरीज भी बहुत आ रहे हैं, जॉन्डिस वाले। इसके अलावा वायरल फीवर काफी है और ओल्ड एज में मरीजों को जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी मरीज काफ़ी हैं, लेकिन मोस्टली मरीज जो है वो गैस्ट्रो के और वायरल फीवर के ज़्यादा हैं। फरीदाबाद जिले में लाख कोशिशों के बाद भी लोहिया अस्पताल की स्थिति नहीं सुधर रही है और आए दिन अधिकारियों के दौरे के बाद भी अस्पताल प्रशासन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसी क्रम में जिलाधिकारी मोनिका रानी भी अस्पताल की हकीकत परखने पहुंची और जांच के दौरान उनको अस्पताल में अव्यवस्था की बड़ी सी पोटली मिली है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इसके अलावा उन्होंने एक लिपिक को निलंबित करने के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिले के सबसे बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अचानक छापा मारा और अस्पताल में गड़बड़ी के साथ ही वित्तीय घपलेबाजी भी उनके सामने आई है, क्योंकि इस अस्पताल में बाबुओं और सीएमएस की मिलीभगत से लोकल परचेज के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला हुआ था। ये उचित निरीक्षण किया गया था, 2-3 दिन से ये आ रहा था कि ओपीडी में समय से डॉक्टर्स वगैरह नहीं बैठते, काफ़ी रश रहता है, तो आज ओपीडी का निरीक्षण किया गया था। 90% डॉक्टर्स आज मिले हैं, तो दोबारा भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा कुछ दवाओं की उपलब्धता कम पाई गई है, तो उनका पूरा ब्यौरा तलब किया गया है कि कब ऑर्डर प्लेस हुआ था, क्या हुआ था। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था देखी गई थी, तो अल्ट्रासाउंड कम हो रहे थे और इसमें मरीज को थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो उसका पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें से 3 हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल, सिद्धार्थ हॉस्पिटल और लोटस हॉस्पिटल का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है और उसमें देखा गया है कि कहीं उन हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ पे सारे डॉक्टर बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं।
खाने की व्यवस्था है और कुछ जो है पंखे लाइट और एसी की व्यवस्था जो है वो सुधारने के लिए कहा गया है। प्लास्टिक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकार भी सख्त हो गई है और जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि प्लास्टिक को लेकर शहर की समाजसेवी संस्थाओं और जनता से अपील की जाएगी कि कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें और जल्द ही स्कूल कॉलेजों में पॉलिथीन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही जियो आ जाने के बाद ऐसे पॉलिथीन का कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिन से एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और संभवतः आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं, तो उसमें उनके भी हमें मार्गदर्शन और प्राप्त होंगे और गाइडेंस प्राप्त होगा। तो इसमें मोटा मोटी जो हमने यहाँ पर तैयारी कर रखी है वो ये साथ में इसको एक जो इसका लीगल आस्पेक्ट है वो तो हम काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ मेरा आपके माध्यम से भी और सभी के माध्यम से ये प्रयास रहेगा आने वाले एक महीने जो रहेगा इसमें कि एक सघन जन जागरूकता अभियान इसमें चलाया जाए। देखिए हम रगौली जेल में बंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के छूटने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल पहुंचकर उनका जमकर स्वागत किया है और उसके बाद दर्जनों गाड़ियों के काफिले से पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। बता दें कि 5 जून को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी हो गई और जिसके चलते इलाहाबाद पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और छात्रों में छात्र नेता अध्यक्ष अवनीश यादव, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी और अवनीश विद्यार्थी को चित्रकूट की रगौली जेल भेज दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र और छात्राओं की रहनुमाई करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बना और मेरे ऊपर मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो भी छात्र और छात्राएं हैं जो इलाहाबाद के अंदर पढ़ते हैं उनकी समस्याओं को लेकर अगर कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग जरूर चिट्ठी लिखने का काम करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारे छात्र और छात्राओं की समस्याओं को दूर किया जाए। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती घोटालाओं को लेकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टलों को लेकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं की फीस वृद्धि को लेकर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातीय उत्पीड़न को लेकर हम सभी विश्वविद्यालय के 15,000 से 20,000 छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने हम लोग 5 जून को गए थे। फलस्वरूप राज्य सरकार की पुलिस और राज्य सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारियों और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम छात्रों के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया और इस कदर मारा गया कि हमको हम सबसे ऐसा व्यवहार किया गया जैसा लगा कि हम सब लोग खुखार डकैत और आतंकवादी या बहुत बड़े गुंडे और बदमाश हैं। इस तरीके से हम लोगों को मारा गया, पीटा गया और पुलिस लाइन के अंदर बंद करके भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का मजाक है और भारतीय संविधान का मजाक है। हम लोग को विश्वास नहीं लगा कि भारत के अंदर लोकतंत्रीय व्यवस्था है या नहीं है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जेएमडी न्यूज। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को समुंदर बनाया है। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है, खुद ही को आजमाया है, तुम्हें अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें,
हम उठाएंगे आपकी आवाज। और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बाद आप सभी का स्वागत। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो से गिरकर युवक की मौत हो गई। बड़ी खबर फतेहपुर से, तेज रफ्तार टेम्पो से गिरकर युवक की मौत हुई और टेम्पो छोड़कर चालक फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और जाफरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर फतेहपुर से, तेज रफ्तार टेम्पो से गिरकर युवक की मौत और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी जाफरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर फतेहपुर से, तेज रफ्तार टेम्पो से गिरकर युवक की मौत हो गई और टेम्पो छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। राजेश, पूछना चाहूंगी क्या कुछ वजह रही, बताया जा रहा है कि युवक की गिरकर मौत हुई है, क्या किसी अन्य वाहन से टेम्पो की टक्कर हुई? जी, बताया जाता है कि ये थाना क्षेत्र के राम बहादुर है, जो अभी सुबह दुनिया चौराहे से ये टेम्पो में किनारे सवारियां अधिक होने के कारण टेम्पो में किनारे लटके हुए थे। जाफरगंज थाना क्षेत्र के रावपुर नहर पुल के पास टेम्पो तेज रफ्तार से था और युवक का हाथ छूट गया, जिससे वो गिर गया। काफी देर तक युवक तड़पता रहा, अंत में उसकी मौत हो गई। वहां पर लोग मौजूद थे, वो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनपिल है, यहाँ पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। क्या युवक की पहचान हो पाई और क्या उसके परिजनों को सूचना हो गई है इस पूरे हादसे की? जी, युवक ललौली थाना क्षेत्र के किसी खेड़ा गाँव के निवासी राम बहादुर बताया जाता है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए। ये पूरी खबर फतेहपुर से, तेज रफ्तार टेम्पो से गिरकर युवक की मौत और टेम्पो छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और जाफरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल संघ सरकार से आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बाद भी लेखपालों ने हड़ताल बंद नहीं की है और तहसील परिसर में कामकाज ठप कर लेखपाल संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने बताया है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है, तब तक हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे और न ही कोई सरकारी कार्य करेंगे। हमारी 8 सूत्रीय मांगों को सरकार मान ले तो हम स्ट्राइक वापस ले लेंगे, अन्यथा आंदोलन चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन हमारा प्रांतीय संगठन के आह्वान पर अनवरत आज से जिले स्तर पर अनिश्चितकालीन
जब तक प्रदेश से कोई निर्देश नहीं मिलेगा चलता रहेगा। हमारी मांगे प्रमुख तौर से इस धरने के माध्यम से आठ हैं। प्रे ग्रेड की प्रमुख मांग के साथ हमारी आठ मांगे हैं, उसमें प्रथम हमारी 2800 पे ग्रेड को लागू करना है। तो जब तक हमारा प्रदेश कोई अगला निर्णय नहीं लेता तब तक हमारी हमारा धरना चलता रहेगा। छात्रों को अब नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट और जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस में साल में दो बार शामिल होने का मौका मिलेगा। सरकार इन परीक्षाओं को कराने का जिम्मा अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया है और इसके तहत नीट हर साल फरवरी व मई में जबकि जेईई मेंस जनवरी व अप्रैल में होगा और इस बात की जानकारी पाकर कानपुर शहर से तैयारी कर रहे छात्रों में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि यह हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं जानकारों माने तो 12वीं पास स्टूडेंट के लिए ये काफी अच्छा मौका है जब उसे परीक्षा में तुरंत शामिल होने का मौका मिलेगा। विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की जनता को पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए अब कानपुर वाले क्रांतिकारियों ने बीड़ा उठा लिया है और इसी कड़ी में भारत माता मंदिर घंटाघर पर आमजन को पेड़ लगे अमले देकर पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया और साथ ही कार्यक्रम में एडीएम सिटी सतीश पाल ने हरी झंडी दिखाकर पर्यावरण वाहन को भी रवाना किया और संयोजक आशीष मिश्रा ने बताया कि ये वाहन शहर के कोने कोने में जाकर जनता को पर्यावरण के लिए जागरूक करेगा और साथ ही जो लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं उन्हें गमले में पेड़ भी मुहैया करवाएगा और कार्यक्रम में कई व्यापार संगठनों ने भी हिस्सा लिया है। कानपुर के क्रांतिकारी संगठन की ओर से एक वाहन प्रारंभ किया गया है जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएगा और कानपुर को एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए अधिक से अधिक पौधा रोपण का भी प्रचार करेंगे। साथ ही साथ जो है पर्यावरण को कैसे पन्नी मुक्त किया जाए कानपुर को। जी, आज हमारे कानपुर वाले क्रांतिकारी संगठन की तरफ से आओ कुछ बेहतर करें कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रचार वाहन हम लोगों ने निकलवाया है जो कि जनता को जागरूक करेगा। पॉलीथीन ना इस्तेमाल करें, पर्यावरण पौधे लगाएं और जैसे भी वो पर्यावरण के लिए हितकर में काम कर सकते हैं वो जगह जगह जाके उनको प्रचारित करेगा। हमारे उसमें वॉलंटियर्स होंगे जो कि लोगों को समझाएंगे कि पर्यावरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। रेल मंत्रालय भले ही ट्रेनों में सुरक्षा के दावे कर रहा हो मगर रेलवे की सुरक्षा खुद रेलवे के कर्मचारी तोड़ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है इलाहाबाद से जयपुर जा रही इलाहाबाद जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में। एसी कोच में टीटी ने पहले तो एक युवती को अपनी सीट दी और उसके बाद उससे छेड़खानी करने लगा। युवती जैसे तैसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची और उसने जीआरपी थाने में टीटी के खिलाफ शिकायत की और महिला से जुड़ा मामला देखकर आनन फानन में जीआरपी पुलिस ने टीटी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महिला छाया मिश्रा बलिया की रहने वाली है और भाई के साथ इलाहाबाद से ट्रेन में चढ़ी थी और B2 कोच में उनका रिजर्वेशन था मगर जब ट्रेन में पहुंची तो इनकी सीट पर कोई और बैठा था। टीटी नानक सिंह ने महिला को अपनी सीट दे दी और उसके थोड़ी देर बाद महिला से छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने उसका विरोध किया और कानपुर पहुंचकर जीआरपी थाने में उसकी शिकायत की। टीटी को बचाने के लिए रेलवे के तमाम आला अधिकारी लगे रहे मगर जीआरपी ने मुकदमा लिखकर टीटी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हुए हंगामे के बाद बैठक हर दिन के लिए स्थगित कर दी गई है एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है और मंगलवार को नगर निगम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैठक शुरू हुई और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही 18 प्रस्ताव पटल पर रखे गए और जिसमें 12 प्रस्ताव पास हुए और जिनके रिक्शा का पंजीकरण और रूट निर्धारण, नाला सफाई, स्ट्रीट लाइट आदि मुद्दे शामिल है। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने बताया है कि परेड चौराहे का नाम बदलकर भगत सिंह चौक किया जाएगा और नगर निगम के 5 विद्यालयों को PPP मॉडल कर तहत विकसित किया जाएगा और सूरत नगर निगम की तर्ज पर नगर निगम एक अत्याधुनिक अस्पताल भी बनवाएगा।
कारकारी के बैठक में जो एजेंडा था उसमें 18 प्रस्ताव थे, जिसमें हमारे ख्याल से भी काउंटिंग कर रहे थे तो उन्हें मना ही कर दिया। उसमें हमारे ख्याल से 10-12 तो प्रस्ताव पास हुए। दूसरा एक प्रस्ताव हमारा ये है कि जो हमारे 4-5 स्कूल हैं जिसको पीपी मॉडल पर दिया जाए स्कूल का, और नाले की सफाई के लिए नगर आयुक्त ने टाइम दे दिया है कि जो मेन पॉइंट हो, जैसे जहां पर नाला रुक रहा है वो सफाई करिए, वो सब समन्वय स्थापित करते हुए सभी अथॉरिटीज के साथ ई रिक्शों के लिए रूट्स का निर्धारण, क्योंकि आप देखें कि ट्रैफिक की समस्या शहर में बहुत बड़ी होती जा रही है और ई रिक्शा की भी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, अभी तक किसी भी कहीं भी ये एग्जैक्ट संख्या की जानकारी कहीं नहीं है। तो चूंकि ये रिक्शों का पंजीयन नगर निगम के द्वारा किया जाता है और ई रिक्शा जो कि अभी MEV एक्ट के अंतर्गत जो नहीं आ रहे, जिनका पंजीयन अभी परिवहन विभाग के द्वारा नहीं किया जाता, उनका अभी पंजीयन कहीं नहीं हुआ, तो ऐसे ई रिक्शाओं के पंजीयन के संबंध में बाइलाज बनाने की सहमति यहाँ से कार्यकारिणी से बाइलाज बनाने का एक। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे यानी गरिमा को इजाजत दीजिए, पर आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।